गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में एक कंसेप्ट आएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पहले हम उसको समझते हैं कि वो है क्या। एक्स की किसी भी वैल्यू को जब हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और हमारा जो आंसर आए वो जीरो आ जाए, देन वी कैन से दैट एनी जो वैल्यू है जो एक्स की, वो क्या होगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं वो है क्या। सपोज कि अभी गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल की हमें जीरो चेक करनी है किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 1। यानी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने समझा है कि जब भी ये वैल्यू गिवन होगी वेरिएबल की, तो हमें इस इक्वेशन पॉलिनोमियल में पुट करानी है। तो जहाँ वेरिएबल x है वहाँ पे वैल्यू 1 पुट कराओ, x के प्लेस पे 1। तो यहाँ भी 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 3 इंटू 1 3, और ये एच डीज रहेगा 2। तो 1 और 2 दोनों प्लस के हैं, तो इनको ऐड करोगे 3 आएगा, ये माइनस का 3 है, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि x की वैल्यू अगर हम पुट कराएं इस पॉलिनोमियल में और पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए, तो वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल की 0 बनेगी। तो 0 ऑफ एफ एक्स इज x इक्वल टू 1। अब बेटे जो थर्ड क्वेश्चन है उसके सारे क्वेश्चन इसी पे ही बेस हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, ये इंडिकेट किए भी एक्स की वैल्यू माइनस 1 बाई 3। अब हमें वेरिएबल के प्लेस पे वैल्यू पुट करानी है माइनस 1 बाई 3। तो जहाँ भी एक्स है वहाँ वैल्यू पुट कराएंगे माइनस 1 बाई 3। तो 3 इंटू माइनस 1 बाई 3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ प्लस का 1 है यहाँ माइनस का 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे माइनस 1 आएगा, प्लस 1 आपको पता है माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जो डेफिनेशन है जीरो की, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जब वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे और पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, तो वो पॉइंट उस पॉलिनोमियल की जीरो है। सो एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 इज जीरो ऑफ पी एक्स। अब इसमें जो सेवन्थ क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, मैं ये करा रहा हूँ, इसके सारे पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही हैं। इसका इसमें दो वैल्यू पुट करनी है एक्स की, वो भी अलग अलग। मैं एक वैल्यू पुट करा रहा हूँ, आप दूसरी अपने आप करोगे, x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3। तो सेम जो फर्स्ट स्टेप में किया है वही इसमें करना है, वेरिएबल के प्लेस पे माइनस 1 बाई रूट 3, 3 इंटू माइनस 1 बाई रूट 3 स्क्वेयर माइनस 1। आपने एट्थ क्लास में भी सीखा है अभी स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल होगा, तो इस स्क्वेयर रूट ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल होने के बाद क्या आंसर आएगा, 3, और नोमिनेटर पे माइनस 1 का स्क्वेयर इक्वल टू प्लस 1। तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ 1 आंसर और माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब हमारा आंसर 0 आया है, किस वैल्यू पे 0 आया, माइनस 1 बाई रूट 3। सो एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 इज 0 ऑफ पी एक्स। अब फोर्थ क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन का रिवर्स है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू इंडिकेट थी, हमें उसको पॉलिनोमियल में पुट कराना था और आंसर बताना था इक्वल टू 0। अगर वो 0 है तो वो उस पॉलिनोमियल की 0 है। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन नहीं है, हमें वैल्यू अपने आप बतानी है कि वहाँ x में पॉलिनोमियल है तो x की वैल्यू क्या आएगी, y में है तो y की वैल्यू क्या आएगी। अब पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 ये स्टेटमेंट है और हमें इसकी जीरो फाइंड आउट करनी है। तो हम इसका प्रोसेस क्या है, फॉर जीरो ऑफ पी एक्स, इस पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0। सो x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपको पता ही है कि x की वैल्यू आएगी माइनस 5। तो जो ये x की वैल्यू माइनस 5 आई है वो इस पॉलिनोमियल की 0 है। अब इसके भी बेटे सारे पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, आप सारे पार्ट अपने आप ही ट्राई करोगे। मैं इसका एक पार्ट और करा रहा हूँ, फोर्थ पार्ट पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। अब इसमें भी सेम वही करना है जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, फॉर 0 ऑफ पी एक्स, पी एक्स इक्वल टू 0, हमें इसको ही इक्वल टू किसके रखना है, 0 के। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये माइनस 2 जब राइट साइड में जाएगा प्लस 2, और ये मल्टीप्लाई में जो 3 है वो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू 2 बाई 3। ऐसे ही आप इसके एक्सरसाइज 2.2 के